राज्य मानवाधिकार आयोग की बात की जाए कि इसे कैसे गठित किया जाता है और कौन कौन से लोग होते हैं, तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक मानवाधिकार आयोग का, राज्य मानवाधिकार का आयोग का गठन राज्य सरकार कर सकती है। इसमें जो लोग होते हैं उनके बारे में एक स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह हाईकोर्ट के अर्थात उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज होते हैं। राज्य मानवाधिकार प्रत्येक राज्य में एक मानवाधिकार आयोग के रूप में कार्य करेगा, जिसमें अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय अर्थात हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष के लिए या 70 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने जो कुछ भी बात किया कि राज्य मानवाधिकार आयोग मानव के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए ही काम करता है। यदि उसे इस तरह की, क्योंकि उसे अंदेशा है कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, और भारत में ही नहीं आज तो लगभग हर देशों में, पूरे विश्व की मैं बात करूं तो ह्यूमन राइट्स काफ़ी सक्रिय है। यह 2 अवस्थाओं में कार्य करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इट मीन्स नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के रूप में काम करता है। यह हमेशा सरकार की निगरानी में कार्य करता है और इसको वो तमाम शक्तियाँ प्राप्त हैं जिसके आधार पर यह एक अपना डिसीजन देते हैं और जाँच भी कर सकते हैं। मानवाधिकार आयोग एक व्यक्ति के लिए, जो सामाजिक रूप से लोग हैं, हम लोगों के लिए एक बहुत बेहतर रास्ता है और हमारे अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, इट मीन सेफ और सुरक्षित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है और हमें वह स्वतंत्रता और वह आज़ादी देता है। मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग हमेशा से ही काफ़ी ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका को निभाता है, अपने कार्य को करता है। यदि आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि भाई हमारे साथ हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका हनन किया गया है, हमारे जो मानव अधिकार हैं, तो आप राज्य मानवाधिकार आयोग की मदद ले सकते हैं और राज्य मानवाधिकार आयोग आपकी मदद जरूर करेगी। कुछ मामलों में वह संजीदगी दिखाते हैं, कहीं कहीं अगर कोई आपको दिक्कत महसूस होती है कि राज्य मानवाधिकार आयोग ने आपके लिए कोई मददगार अगर साबित नहीं हुआ, तो आप नेक्स्ट अपील कर सकते हैं, आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी लिख सकते हैं। यह एक बड़ा कदम है जो 1993 से भारत में काम कर रहा है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग में, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें इसका जो प्रेसिडेंट होता है, इसका जो मुख्य अध्यक्ष होता है, वह उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड होते हैं, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। बाकी अन्य सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है। और ये कैसे होता है, एक समिति होती है, वह समिति राज्य के द्वारा, राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग अवस्थाओं पे होती है और ये समिति एक सिफारिश करती है और उस सिफारिश पर राज्यपाल इस आयोग को गठित करने की सहमति देते हैं और फिर यह सक्रिय हो जाता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग यह मनुष्य के अधिकारों के सुरक्षा के लिए एक बेहतर रास्ता है, एक बेहतर मार्ग है। तो यदि आप भी इसकी मदद लेना चाहें न्याय की या नियम कानून की, तो निश्चित रूप से आप इसकी मदद ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपने पूछा था कि भाई राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का के जो रिटायर्ड जज होते हैं वह होते हैं और एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल इस कमीशन को गठित करता है। इसकी जो अवधि होती है वो 5 वर्ष से या 70 वर्ष की आयु तक की हो सकती है। इसी के साथ ही हम इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।